आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफ्स्पा कानून के बारे में। सबसे पहले हम इसका संदर्भ समझ लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के दो पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अफ्स्पा कानून को अगले 6 महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं मणिपुर और असम की सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों के कुछ भागों में अफ्स्पा कानून को अगले 6 महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है। वर्तमान में अफ्स्पा कानून 5 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम में और उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर में लागू है। आइए हम समझते हैं कि अफ्स्पा कानून क्या है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफ्स्पा सन 1958 में संसद द्वारा अधिनियमित कानून है। यह कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किसी राज्य अथवा राज्य के किसी एक या एक से अधिक हिस्सों में सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेस को विशेष शक्तियां देता है। इसी शक्ति के आधार पर कानून का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को गोली मारी जा सकती है, संदिग्ध व्यक्ति की बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, बिना चेतावनी दिए ही किसी भी परिसर में घुसकर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, गैर कानूनी रूप से जमा किए गए हथियारों के ढेर को नष्ट किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि अफ्स्पा की सीमाएं क्या हैं। किसी अशांत घोषित क्षेत्र में सशस्त्र बल के जवानों के पास स्वतंत्र शक्तियां नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से काम करना होता है। आइए अब हम समझते हैं कि अशांत क्षेत्र क्या होता है। अशांत क्षेत्र अफ्स्पा अधिनियम 1958 के सेक्शन 3 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाला क्षेत्र होता है। जब किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में या उसके किसी हिस्से में अशांति या खतरे की स्थिति पैदा हो जाती है और संबंधित सरकार को उस स्थिति से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है और इसे भारत का राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद उस क्षेत्र में बिगड़ी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के द्वारा सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेस को भेज दिया जाता है। किसी राज्य या राज्य के किसी एक या एक से अधिक हिस्सों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केंद्र और संबंधित राज्य सरकार दोनों के पास होता है। किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी भाग को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार और संबंधित राज्यपाल या एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। अशांत क्षेत्र की घोषणा के बाद 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही स्थिति की समीक्षा की जाती है। स्थिति में सुधार आने पर अफ्स्पा कानून हटा दिया जाता है और यदि स्थिति में सुधार नहीं आता है तो इसे अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया जाता है। ये अब हम समझते हैं कि अफ्स्पा कानून के गुण दोष क्या हैं। अफ्स्पा के गुणों की बात करें तो अशांत क्षेत्र में बिगड़ी स्थिति को पटरी पर वापस लाने में अफ्स्पा कानून का अहम योगदान होता है। सशस्त्र बल अशांत क्षेत्र में लोकल प्रशासन को स्थिति से निपटने में सहयोग करता है। यह कानून सशस्त्र बल के जवानों को बिगड़ी स्थिति से निपटने की हिम्मत देता है। सशस्त्र बल देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इस कानून में कई दोष हैं। अशांत क्षेत्र में अफ्स्पा कानून लागू होने से सशस्त्र बल को अनियंत्रित शक्तियां मिल जाती हैं, जिसके कारण कानून द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है और मानव अधिकारों के उल्लंघन की खबरें आने लगती हैं। कई आलोचक इसे आधुनिक रॉलेट एक्ट की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यह सशस्त्र बल को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने या गोली मारने की अनुमति देता है। कई आलोचक मानते हैं कि आज के समय में अफ्स्पा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोली से समाधान निकालने की बात करता है यह कानून, जबकि समस्या का समाधान चुनाव से भी हो सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।